से एएमटी न्यूज़ में कृष्णकांत सिंह हरी। अब देखते दिनभर की खास खबर। जीवनदायिनी में बेतवा का अंचल प्रदूषित होने से मर रही काफी मछलियां, बेतवा का पानी हो रहा है प्रदूषण का शिकार। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दूर पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश, विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। और रामलीला क्षेत्र में लगने वाले पशु मेला में देखने में आता है कि लोग नहीं कर रहे हैं मास्क का उपयोग। कोरोना से सुरक्षा हेतु शिवसेना ने बांटे मास्क। अब खबर विस्तार से। विदिशा के रामलीला क्षेत्र में प्रति सोमवार को पशु बाजार लगता है, जहां बड़ी संख्या में पशु क्रेता विक्रेता पहुंचते हैं। वहीं देखने में आया कि लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। कोरोना से सुरक्षा के लिए शिवसेना टीम द्वारा पशु बाजार में लोगों को मास्क का वितरण किया गया। शिवसेना नगर अध्यक्ष हूँ, आशीष माली भी नाम है मेरा जी। यहाँ पर किस तरीके का कार्य किया जा रहा है? आज हम लोगों ने मास्क बांटे कि कोरोना संक्रमण चल लिया है कि इससे सब लोगों को बचाओ, और किसी जो भी ये फालतू लोग। क्या कौन सा स्थान है ये? रामलीला चौरा है, चुंकी नाका बोलते हैं इसे। यहाँ ढोड़ बाजार लगता है। कोरबाई तहसील के अंतर्गत ग्राम कुल्हार निवासी घनश्याम चहरिया उम्र 60 वर्ष ने बताया कि डबरा में शारदा गुर्जर के यहाँ 7 माह कार्य करने के दौरान पगार नहीं दी गई, जिसकी शिकायत एसपी मोनिका शुक्ला से की गई। घनश्याम है, कहाँ के रहने वाले? कुल्हार को। कहाँ काम करने गए थे आप? लोहगढ़। कौन सी तहसील है, कौन सा जिला? डबरा तहसील, डबरा ग्वालियर जिला है। किन के यहाँ काम किया था आपने? शारदा बलि गुजर। कितने दिन, महीने काम किया आपने? 6 महीना 14 दिन। क्या तय हुआ था आपका? 6 महीना खुराक और एक जोड़ी कपड़ा, और जो नहीं है नाज मिलता मैं कंट्रोल को नाज दो जाए वो। अभी कितने पैसे में दिए उन्होंने? कुछ एक पैसा नहीं दो। कितने पैसे बन रहे हैं आपके? जो नहीं मैं नहीं कर पाऊँ। आपका कह रहे हैं वो मन कर रहा है कोई पैसे नहीं मांगे तो जहीं से अब जहाँ आना जहीं नहीं आना। धमकी दे रहे हैं अब आपको? अब चोरी करे तो चोरी लगा देंगे तुम्हें, हम तुमने पैसे नहीं जमा गए, अब मोबाइल के ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दो। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नीमताल गांधी चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब की घटना का विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के वरिष्ठ व युवा नेता मौजूद रहे। विकलांगों द्वारा स्कंद माता मंदिर में हवन यज्ञ कर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना ईश्वर से की गई। वहीं शिव जी की पूजा अर्चना कर आरती उतारी गई। इस मौके पर दिव्यांग उपस्थित रहे। हमारे यहाँ बस स्टैंड स्कंद माता मंदिर पर दिव्यांग जनों द्वारा हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की दीर्घ आयु एवं जितने भी अला वाला है उनको टालने के लिए, और भारत में और इसी तरह प्रधानमंत्री बने रहे इसके लिए दिव्यांग जनों द्वारा यह प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की दीर्घ आयु के लिए हमने आज ये हवन कार्यक्रम संपन्न किया, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी का आभार। Jaan re raare, mujhe panjaan.
दीर्घायु के लिए दिव्यांगजनों द्वारा आज हवन पूजन का आयोजन किया गया। हम सब जानते हैं कि 5 तारीख को जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ पंजाब की कांग्रेस की सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी के इशारे पर किया गया है, और नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत का गौरव सारी दुनिया में बढ़ाने का काम किया, ऐसे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से पंजाब की सरकार ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, और जिस तरह का खिलवाड़ किया गया उससे माननीय प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा उत्पन्न हुआ था। हम सब ने देखा है, सारी दुनिया ने देखा है। आज पूरा देश अकेले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग आज चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी सालों साल तक इस देश का नेतृत्व करते रहें। इसलिए आज पूरा देश पिछले 4-5 दिनों से जब से ये घटना हुई नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु की कामना के लिए अलग अलग आयोजन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज दिव्यांगों द्वारा यह जो आयोजन किया गया, हम सब परमपिता परमेश्वर से माँ भगवती से यह प्रार्थना करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश का नेतृत्व सालों साल तक करते रहें। और जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मानी अभी पंजाब में रोका गया था उनको, उनकी दीर्घायु के लिए हमने स्कंद माता मंदिर तीसरा बस्टैंड के पास हमने हवन किया गया है। पुराना जिला अस्पताल स्थित स्वास्थ्य केंद्र संजीवनी आरोग्य में सीनियर सिटी के लिए कोविड-19 के विशेष इंजेक्शन आज से लगना प्रारंभ हो गए हैं। स्वास्थ्य प्रभारी द्वारा उक्त जानकारी दी गई। अस्पताल के केंद्र पर आज किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है? आज पुराना जिला चिकित्सालय में 60 साल से ऊपर वालों को हम लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, जो और हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको भी लगा रहे हैं, और हम लोग यहाँ जिला चिकित्सालय में पुराने वाले में भी लगा रहे हैं, करैया खेड़ा मोहनगिरी मेडिकल कॉलेज और नए DH में भी लगा रहे हैं। तो क्या यहाँ से प्रारंभ किया गया? हाँ सर, आज से ही प्रारंभ किया गया। कहाँ रहते आप? चाली कालो में। अभी कहाँ पर आए आप? अभी तो हम नगर पाल कहाँ आए काय के लिए खुद जमा कर लेते हैं। इंजेक्शन लगवाने भी आए? इंजेक्शन इंजेक्शन भी लगवाना। कितने पहले लग चुका आपको? नहीं लगा अभी, पहले लग गया, अब दूसरा लगा रहे। जीवनदायिनी में बेतवा का पानी अचानक जहरीला होने से बड़ी संख्या में मछलियां मर रही है। पानी का रूप भी परिवर्तनशील है, काफी बदबूदार पानी हो गया है। भोरघाट निवासी ग्रामीण ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से बेतवा का पानी काफी प्रदूषित हो गया है। बेतवा के पानी में इन दिनों मछलियां मर रही हैं। जिला मुख्यालय की बेतवा के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस जहरीले पानी के सेवन से बीमारियां भी पैदा होंगी। आला नेता व अफसरों की नगरी की बेतवा के हाल आपके सामने है। बेतवा के दोषियों पर कार्रवाई न होना समझ से परे है।
बहुत से बदबू मार रही है और पूरे वहाँ मच्छी मच्छी मर रही है। कहाँ रहते हैं? यही भोरघाट। कौन सी नदी है? बेदवा नदी है। यहाँ पर किस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं वर्तमान नदी में? यहाँ दो चार दिन से मच्छी काफी मर रही है, बड़ी बड़ी मच्छी, और पानी पूरा गंदा हो रहा है। नहा रहे हैं तो बच्चे लोग खुजाल मुजाल हो रही है, सब प्रदूषित हो गया कि पानी पूरा है। कितने दिन हो गए लगा कुछ? करीबन हो गए 2-3 दिन हो गए। ठाकुर बाबा लिखते हैं, वैसा दास का नाम बलदेव सिंह। कहाँ रहते हैं आप? यही घोरघाट पर। यह नदी कौन सी है? ये बेतमा है। क्या यहाँ पर क्या हुआ अभी? ये मच्छी मर रही है, मवेशी बीमार हो रही है, बच्चा बच्ची ने खुजार चल रही है। कब से मरी मच्छी देख रही है आप? ये दो तीन रोज हो गए। तो पानी में किस तरीके की बदबू आ रही है? बहुत तरह की, काला पानी पड़ गया बिल्कुल पीवे में भी, और वो तो सब लेकर यहाँ से लेकर वहीं तक लोग बागो वो करेगा। कम से कम नहीं 50 कुंटल। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने अधूरे पड़े कार्यों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा द्वारा अहमदपुर चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ व युवा नेता मौजूद थे। 70 साल में जिस प्रकार से हमारे गरीब को गरीब किया है हम सब जानते हैं, जिस प्रकार से किसान को कर्जदार किया है हम सब जानते हैं, जिस प्रकार से बेरोजगारों को बेरोजगार किया है हम सब जानते हैं। आने वाले समय में लोकतंत्र सुरक्षा में जो चूक की गई उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। ये जो कृत्य है ये केवल निंदा शब्द इसके लिए पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी जांच अभी पेंडिंग है, और जो जिन लोगों ने भी ये किया है चन्नी सरकार द्वारा, जो भी अधिकारी या जो भी राजनेता इसमें सम्मिलित है, कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलना चाहिए। ये एक राजद्रोह है। इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री अपने ही देश में सुरक्षा ना मिले, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत ही हमारे भारत देश की जो छवि है उसको खराब की गई है। तो मैं इस मंच के माध्यम से भी ये मांग करता हूँ कि राष्ट्रद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। क्रीमोल्ला क्षेत्र में काफी देर तक जाम के कारण आवागमन पूरी तरह अव्यवस्थित रहा। देखने में आया कि जाम के दौरान रोड पर कोई यातायात पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, जिससे यातायात व्यवस्था शहर की भंग होती जा रही है और राहगीरों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। दिन में कई बार क्रीमोल्ला क्षेत्र में जाम की स्थिति निर्मित होती है, जहां यातायात पुलिसकर्मी नजर नहीं आते। कोई देखने वाला है नहीं, बीच रोड पर लोड हो रहा है, बीच रोड पर पूरा हो रहा है। कोई अपने मन से गाड़ी नहीं बैठाता, ना कोई कर्मचारी अधिकारी है आज। हाँ, कौन सा क्षेत्र है? किसी मोहल्ला पड़ा था, उनके पास तो जाती है संवेदनशील क्षेत्र, गाड़ियों की स्थिति क्या है कोई सुनवाई नहीं है। सचिव संघ के अध्यक्ष रणधीर सिंह रघुवंशी का जन्मदिन उनके शुभ चिंतकों ने मनाया और उन्हें लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी। आज खबरों बस इतना ही, आप देखते रहिएगा बनी सही अपडेट न्यूज। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।